हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ। परसेंटेज वाइज डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई डिस्काउंट परसेंट में दे दिया जाए तो फिर उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका, क्या वे हो सकता है, आइए समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो आएगी, नया इंटरफेस आएगा और वहां पर आपको जाकर के सीधा सीधा कहाँ क्लिक करना है, क्रिएट पर, ठीक है? तो क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक और नई विंडो आएगी। यहां पर हमें एक खास व्यू पे जाना होगा जिसका नाम है डिजाइन व्यू, क्योंकि हम करना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए डिजाइन व्यू पर। और यहाँ पे ये टेबल वन आ रहा है, आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल के नाम से इसको सेव कर देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल नाम से एक टेबल हमने क्रिएट कर ली। अब यहां पर हमें डिजाइन करना है, टेबल तो हमने बनाई है प्रोडक्ट डिटेल के नाम से, लेकिन यहां पे हमें डिजाइन करना है। तो पहला ये प्राइमरी की है, यहां पर आईडी ही रहने देते हैं, यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो ये लिखा मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम। और फिर यहां पर आएंगे आगे, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट मिल जाता है आपको। अगर 2007 यूज करते होंगे तो वहां पे केवल टेक्स्ट ही मिलता है, ठीक है। अब इसकी प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्राइस, ठीक है। प्राइस को कौन सा डेटा टाइप रखना है, करेंसी डेटा टाइप रखना है, तो यहाँ से जाकर के आप इसे बना दीजिएगा करेंसी, तो ये करेंसी डेटा टाइप हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें यूनिट करना है, तो यूनिट को हमें फ्लोट रखना है, फ्लोट समझिएगा, फ्लोट रखना है यूनिट को। तो फ्लोट रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर रखेंगे और हम चाहते हैं कि डेसिमल में भी यूनिट्स को एंटर किया जा सके, तो इसे बना दीजिएगा डबल। तो ये हो गया हमारा काम बहुत आसान। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अब टोटल कॉस्ट, यहाँ पे लिखना है टोटल कॉस्ट COST, तो ये लिख दिया टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगी, तो 2019 या 16 तक अगर आपने 16 भी यूज किया है तो 16 में भी आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है, तो यूज करेंगे यहीं पर। हम अलग से कोई क्वेरी नहीं बनाने जा रहे हैं, यहीं पे यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से। जैसे ही प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से हमारा काम हो जाएगा और हमारा टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, अब यहां से ओके कर देते हैं। जैसे ओके किए तो देखेंगे कि ये हमारा टोटल कॉस्ट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद इस पर कुछ डिस्काउंट लगाना है। अब डिस्काउंट लगाना कैसे है, पहले यहां लिख देता हूं डिस्काउंट, ठीक है, ये लिख दिया डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस तरीके से लगाना है, जैसे मान लीजिए यहां पर आए, इसके बाद क्या करना है, इसको नंबर रखना है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, इसको नंबर रख लीजिएगा, ठीक है, देख सकते हैं। और ये यहां पे देखिए लॉन्ग इंटीजर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मेट हमें परसेंटेज रखना है, क्या रखना है, परसेंटेज। तो यहां पे पी प्रेस कीजिए, परसेंट आ जाएगा। और यहां पर आप डबल बना दीजिएगा इसको, नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा, डबल अगर नहीं बनाएंगे तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा, तो ये डबल हो गया। अब यहां पर आप परसेंटेज में डिस्काउंट एंटर कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, ठीक है। अब यहां पर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होगा, जैसे आप एक्सेल में करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। यहां पर आना है और यहां पर इसको क्या रखना है, कैलकुलेटेड रखना है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप, क्योंकि कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम तो कैलकुलेटेड ही रखना है, टोटल में ही हमारा डिस्काउंट छिपा होगा। तो यहां पर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यहां पर लिख लीजिए टोटल, कुछ इस तरीके से टोटल लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्काउंट से। तो यहां पर लिख दीजिए DISCOUNT, ये अमाउंट को टोटल को डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे जब ये सॉफ्टवेयर बनकर के रेडी होगा, इस पर क्लिक करता हूं व्यू पर, और जैसे ये सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा तो आप देखेंगे, इसको सेव कर लीजिए पहले, अब आप देखेंगे हमें टोटल कॉस्ट करना है। देखिए ये केवल टोटल नहीं है, यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट दिया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर लेना। मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक ठीक से दिखाई दे कहाँ पे गलती हो रही थी। ये देखिए ये जो टोटल है ना, यहाँ पे टोटल नहीं है, टोटल कॉस्ट है, तो यहाँ पे लिख देना है टोटल कॉस्ट, बस हो जाएगा काम। अब ये यहाँ से ओके कर दीजिए और फिर यहाँ से इसको व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए, तो बस आपका काम हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं, देखते हैं डिस्काउंट कैलकुलेट होता है या नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एंटर करने वाला हूँ यहाँ पे CPU, ये एंटर किया CPU, ये CPU एंटर किया और यहाँ पे CPU की प्राइस आएगी। तो मान लीजिए CPU की प्राइस है 30,000,
तो यहाँ पे लिख दिया 30,000। अब यहाँ पे 5 या 6 सीपीयू आपने परचेस किए, परचेस करने के बाद इसकी टोटल कॉस्ट अपने आप आ गई। अब यहाँ पे डिस्काउंट देना है, तो आपको डिस्काउंट तय करना है। जैसे मान लीजिए आप 5% का डिस्काउंट इस पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट के अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। अब आप दूसरा डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा प्रोडक्ट है जैसे कीबोर्ड है, तो यहाँ लिख दिया कीबोर्ड, और कीबोर्ड पे कुछ अलग डिस्काउंट देना चाहते हैं, कुछ सेपरेट डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कीबोर्ड की कीमत है 450 रुपए, ये डाल दिया एक कीबोर्ड की कीमत, और यहाँ पे 40 कीबोर्ड आप परचेस कर रहे हो, तो ऐसे में 18,000 रुपए टोटल कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2% का डिस्काउंट देंगे, 2%, तो ये 2% का डिस्काउंट कितना हुआ, 360 रुपए हुआ। इस तरीके से आसानी से आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और करता हूँ, लाइक यहाँ पे कर देते हैं लैपटॉप, लैपटॉप ठीक है, तो ये लैपटॉप जो है एक की कीमत है 50,000 रुपए, कितनी है 50,000, तो 50,000 यहाँ दे दिया, और यहाँ पे ऐसे ऐसे 5 लैपटॉप खरीदे गए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना इस पे डिस्काउंट दिया गया, 5% 6% 6% कर देते हैं, पर 6% किया, उसके हिसाब से यहाँ डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट हो गया, आपने आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा मोटा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं इजीली। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।